व्हाट्सएप ने तो धोखा दे दिया काफी सारे लवर्स को, जो भाई यहाँ पर बातें करते थे वो डर गए भाई कहीं हमारी चैट वगैरह लीक तो नहीं होगी। तो यहाँ पर उनको बताओ भाई ऐसे चैट का लीक वगैरह चेक करनी, सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो, फोन नंबर वगैरह और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह, इस तरह की लोकेशन वगैरह का वो डेटा का यूज करके जो पैसे अर्न करने के लिए यहाँ पर वो फेसबुक और व्हाट्सएप कर रहा है, दोनों आपस में मिल गए। तो व्हाट्सएप से जो डर गए, यहाँ पर सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में जानना है, उसी के बारे में बात करें। तो यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, फीचर्स दिखाऊंगा, कितना सिक्योर है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर या फिर आपको एप्पल के ऐप स्टोर में देखने को मिल जाएगा, सभी प्लेटफॉर्म पर है ये, आप इंस्टॉल कर सकते हो सिग्नल मैसेंजर। ये आज नया कोई ऐप नहीं आया, काफ़ी टाइम पहले से है, लेकिन भाई जब से प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आया व्हाट्सएप पर, उसके बाद से ये जो है इसकी भी मतलब डिमांड बढ़ चुकी है। जैसे अभी यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से जूम एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ गई, कोई नहीं जानता था उसकी भी डिमांड बढ़ गई, इस तरह से सिग्नल मैसेंजर एप्लीकेशन को भी काफ़ी लोग जानने लगे और इसी बारे में आप वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी मतलब सही है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, ये भी आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है, जैसे व्हाट्सएप में आपको देखने को मिलती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन रहेगी आपकी चैट और कॉल्स वगैरह। साथ में यहाँ पर इनका जो मेन USP है वो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर आपको प्राइवेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख के ये एप्लीकेशन को बनाया गया है, और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऐप है, मतलब इनका कोई एम नहीं है कि हम इस ऐप से कोई प्रॉफिट जनरेट करें। तो प्रॉफिट जनरेट नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपका डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर कुछ उसका करेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी सिक्योर, और यहाँ पर आप समझ सकते हो काफ़ी मतलब इसमें प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखा गया, और प्राइवेसी आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी इस एप्लीकेशन में व्हाट्सएप के कंपैरिजन में, ऐसा मुझे लगता है। नॉन प्रॉफिटेबल है और यहाँ पर काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन, नई भी नहीं है। और यहाँ पर सबसे कमाल की बात है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ पर दिखाता हूँ, सिंपल सा है, आपको कंटिन्यू करना है, परमिशन देनी है, फ़ोन नंबर डालना है और इसको कंटिन्यू कर देना, आपका अकाउंट बन जाएगा, कैप्चा वगैरह डाल देना, आप प्रूव कर देना कि मैं रोबोट नहीं हूँ, फिर बाद में आप देखें कितना क्लीन UI आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसके सबसे कमाल की चीज़ मुझे यही लगी है, काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है काफ़ी भीड़ भीड़ सी और सब कुछ ऐसा सा, काफ़ी सिंपल सा UI रखा गया है, और इसमें पिन भी जनरेट करने को मिलता है, आप अपना पिन जो है वो डाल सकते हो, मतलब इसको खोलते टाइम आप पिन डाल सकते हो। ऊपर सर्च का आपको देखने को मिलेगा, सेटिंग में देखें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको, जैसे कि SMS की एप्लीकेशन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट SMS एप्लीकेशन, प्रोफाइल में फ़ोन नंबर, अपना नेम वगैरह, DP वगैरह चेंज कर सकते हो, स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, जो आपके स्मार्टफोन का स्क्रीन लॉक है, फिंगरप्रिंट है, उसको यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन सिक्योरिटी लगा सकते हो जिससे स्क्रीन का आपका कोई स्क्रीनशॉट ना ले सके इस एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पर इनकॉग्निटो कीबोर्ड का भी, मतलब जहाँ पर आप कोई भी चैट करो तो वहाँ से पर्सनलाइज आपको एक्सपीरियंस जो मिलता है कीबोर्ड में, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट नहीं होगा। आप देख सकते हो प्राइवेसी के चक्कर में इन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जो कि काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं, पिन लगा सकते हो, 2-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लॉक लगा सकते हो, और एप्लीकेशन में अलग से पिन लगा सकते हो, अपीयरेंस में थीम्स वगैरह आप लगा सकते हो, चैट में वही है जैसा आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलता था, चैट वगैरह क्लियर करने के लिए अपना अकाउंट डिलीट करना है वो कर सकते हो, स्टोरेज वगैरह काफ़ी बढ़िया चीज़ इसमें दे रखी है, सेटिंग बिल्कुल क्लीन है, काफ़ी बढ़िया दिखने में लग रही है, UI जो है मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा है, पता नहीं क्यों देख कर काफ़ी बढ़िया फील आ रही है। कैमरे पर क्लिक करेंगे आप इसमें कोई फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो, जो भी सिग्नल मैसेंजर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, किसी को भी नहीं, जैसे व्हाट्सएप के मैसेज भेजते हो सिर्फ व्हाट्सएप यूज़र को, इस तरह जो भी सिग्नल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उसको आप ये फोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हो जो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। अब इसके और फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि यहाँ पर न्यू ग्रुप बना सकते हो, मार्क ऑल रीड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप में होता है किसी को इन्वाइट करना है इन्वाइट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एड पेंसिल जो है जैसे व्हाट्सएप में रहता है नई चैट करने के लिए, यहाँ पर दिख जाएंगे जो जो आपके कॉन्टैक्ट्स में सिग्नल एप्लीकेशन यूज़ करा है वो दिखा देगा, उसे आप चैट कर सकते हो, और एक दिखेगा नोट टू सेल्फ, मतलब आप खुद को ही मैसेज भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन फोटोज़ वगैरह सेव करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर चैट का इंटरफेस दिखाऊं तो यहाँ पर स्टिकर सेंड कर सकते हो, इमोजेस वगैरह सेंड कर सकते हो, फोटोज़ वगैरह सेंड कर सकते हो क्लिक करके जैसे आप व्हाट्सएप पर करते थे, यहाँ पर कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है वो आप वॉइस वगैरह भेज सकते हो, तो और जैसे ही वॉइस मैसेज भेजते हो उस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का आइकन है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जब फोटोज वगैरह सेंड कर सकते हो, जिफ भेज सकते हो, यहाँ पर कोई फाइल भेज सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट भेजते हो ना व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट, इसी तरह कोई भी फाइल यहाँ पर सेंड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स भेज सकते हो, लोकेशन सेंड कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे व्हाट्सएप में देखने को मिलता है। मतलब व्हाट्सएप के कंपैरिजन फीचर कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है, ज़्यादा क्या फीचर्स है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वीडियो कॉल कर सकते हो और ऑडियो कॉल कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन में दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे डिसअपियरिंग मैसेज, तो डिसअपियरिंग मैसेज जो वो इसका काफ़ी एडवांस वाला है, यहाँ पर आगे दिखाऊंगा। कन्वर्सेशन सेटिंग कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कन्वर्सेशन सेटिंग दिखाता हूँ एक बार आपको,
यहाँ पर आपको दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर चैट का कलर चेंज कर सकते हो, तो काफ़ी थीम से अलग से फील आएगी, आपको लगे कि हाँ भाई मैं इस बंदे से चैट कर रहा हूँ, तो अलग अलग कलर की थीम लगा सकते हो अलग अलग चैट पर। और डिसअपियरिंग मैसेज आपको दिखाता हूँ, काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर डिसअपियरिंग मैसेज आपको व्हाट्सएप में सिर्फ 7 दिन का देखने को मिलता है, लेकिन 7 दिन देखने को मिलेगा, 1 दिन भी मिलेगा, 12 घंटे भी देखने को मिलेगा, 6 घंटे, 1 घंटा 5 मिनट 5 सेकंड, मतलब सीन करते ही ना मैसेज 5 सेकंड के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। किसी को आपने मैसेज सेंड करा है चैट में, 5 सेकंड के अंदर अंदर जैसे वो सीन कर लेगा, सीन करने के जस्ट 5 सेकंड बाद चैट क्लियर वैनिश। तो इस तरह का डिसअपियरिंग मैसेज इसमें काम करता है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ दिखाया इसमें डिसअपियरिंग मैसेज का। अगर 7 दिन में यार क्या हो रहा है, मतलब चेंज करने का ऑप्शन मिलना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे मैंने 5 सेकंड सेट कर दिया, तो 5 सेकंड बाद जो है सारी चैट क्लियर हो जाएगी हमारी, जो भी मैसेज भेजा उसने रीड करा 5 सेकंड बाद टाटा खत्म बाय बाय। तो इस तरह से वीडियो को भी हम खत्म कर रहे हैं टाटा बाय बाय। आपको कुछ लिखना है नीचे कमेंट में लिख सकते हो, आप ही का कमेंट बॉक्स है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, तभी तो आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी।